बिहार में आज फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने आठवीं बार सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता मौजूद थे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी ओर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ धरना दिया। बिहार में आज नई सरकार बन गई, सीएम नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सत्ता में बीजेपी की जगह अब आरजेडी आ गई है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राबड़ी देवी शामिल हुई, लेकिन लालू यादव खराब सेहत के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार ने उनसे फोन पर चर्चा की है। लालू ने नीतीश के फैसले की तारीफ की है। नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। महागठबंधन की ओर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम विधानसभा का सत्र जल्द ही बुलाएंगे और विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। विधानसभा सत्र के दौरान नए स्पीकर का चुनाव भी कराया जाएगा। स्पीकर पद कांग्रेस को दिया जा सकता है, वैसे दावा आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें सहयोगी दलों को जगह दी जाएगी। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और हम सरकार में शामिल होंगी। वाम दलों की ओर से अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। नीतीश ने बिना नाम लिए कहा, हम सीएम रहें या ना रहें, लेकिन 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। हम आरजेडी के साथ आकर पूरे देश में विपक्ष को मजबूत करेंगे। 2024 के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि 2020 में चुनाव हुआ, उसमें जेडीयू के साथ क्या व्यवहार हुआ। मैं उस समय सीएम नहीं बनना चाहता था। पिछले दो महीने से हालात ठीक नहीं थे। पार्टी ने सर्वसम्मति से बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। महागठबंधन की सरकार पूरे तीन साल चलेगी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर काम करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।